ये पूरा गेम, इस पूरे गेम पे क्या अजीत डोवाल, अभी प्राइम मिनिस्टर हम जाने वाले हैं वहीं अमेरिका, और 21-23 तारीख को इनका वहां फंक्शन है, उस समय अजीत डोवाल भी शायद हो सकता है साथ हों, तो क्या अजीत डोवाल को अरेस्ट कर लिया जाएगा वहां पर, क्या अमेरिका चाहता है? मेरे प्यारे पन्नू को यह पूरा शक नहीं, पूरा यकीन है कि भारत सरकार ने उसकी हत्या करने की कोशिश करी है, जिसमें शामिल है एनएसए अजीत डोवाल साहब। मोदी जी की एक यूएस की जो ट्रिप है, It was to expose Biden's deep state. अमेरिका को अमेरिका की भाषा में जवाब देना, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा कंट्री होगा जो अमेरिका की जमीन पर अपोजिशन पार्टी का कैंपेन करने जा रहा। अब डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव भारत की तरफ है, हिंदुओं की तरफ है, ये सबको पता है, और इसी को लेकर डीप स्टेट को ये खतरा लग रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ गए फिर तो भारत और अमेरिका के रिश्ते और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में जो चुनावी जंग चल रही है, जो कि चंद अभी 2 महीने बाद लगभग चुनाव है, इसके बीच में ऐसा कभी आपको दिखेगा नहीं कि अमेरिका के किसी देश में दिखेगा कि कोई बड़े देश का कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आकर के ऑपोजिशन कैंडिडेट के लिए जो है, जो सत्ता में नहीं है अभी, उसके लिए वोट मांग रहा है, उसके लिए जो है वो प्रचार करने का काम कर रहा है। ये मोदी जी कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा तगड़ा सिग्नल है वहाँ के डीप स्टेट को। ये वही डीप स्टेट है, ये रॉ, ये किसी भी देश की खुफिया एजेंसी वो सिविलियंस को या आम आदमी को टारगेट नहीं करती। कभी भी मोसाद ने किसी भी ऐसे वैसे व्यक्ति को टारगेट नहीं किया है। मोसाद उसको टारगेट करता है जो इसराइल के खिलाफ होता है, CIA उसको टारगेट करता है जो अमेरिका के खिलाफ होता है। इसी तरीके से रॉ भी उसी व्यक्ति को टारगेट करेगा जो कि इंडिया की अस्मिता के खिलाफ होगा। तो ये डीप स्टेट जो अमेरिका का है, ये क्यों पालता है खालिस्तानियों को, ये क्यों पालता है अलग अलग इस तरह के लोगों को जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, सबसे पहला सवाल तो ये उठना चाहिए। और ट्रंप के टाइम पर आपको देखने को मिला होगा ये सब थोड़ी सी ऐसी शक्तियाँ थोड़ी सी कम थी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है, जैसे ही आश्वासन मिल रहा है ट्रंप की तरफ से कि अब ट्रंप सत्ता में आते हैं तो और ज़्यादा ऐसे भारत विरोधियों पर रोक लगाई जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, फॉरवर्ड रॉ चीफ, और हमारे दूसरे कुछ जो हमारे फॉर्मर ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ, एक फॉर्मर चीफ जो है उनका नाम है सामंत गोयल, और एक रॉ के एजेंट विक्रम यादव, साथ में एक बिजनेसमैन है निखिल गुप्ता। ये पूरा गेम, इस पूरे गेम पे क्या अजीत डोवाल, अभी प्राइम मिनिस्टर हम जाने वाले हैं वहीं अमेरिका, और 21-23 तारीख को इनका वहां फंक्शन है, उस समय अजीत डोवाल भी शायद हो सकता है साथ हों, तो क्या अजीत डोवाल को अरेस्ट कर लिया जाएगा वहां पर, क्या अमेरिका चाहता है? जिस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर तो मेरे हिसाब से अरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ एक मुकदमा है जिसमें कोई, जहां तक मुझे पता है, वारंट जारी नहीं हुआ। मुकदमा दायर किया गया है जिसमें बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं, भारत की तरफ से एक लॉबिंग शुरू हो चुकी है। उससे लड़ाई करते रहते हो, सबको धमकियां देते रहते हो, कभी तुम कहते हो कि एयर इंडिया का जहाज गिरा दोगे, कभी तुम कहते हो पार्लियामेंट में हमला कर दोगे। पन्नू देखो, तुम्हें तो हम इतना प्यार करते हैं, तुम्हारा यहाँ पे हमने गुड्डा बना के रखा, देखो यहाँ पे बैठ जाओ, बैठा आराम से, हाँ वेरी गुड। अब देखो ये हो क्यों रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ हो क्यों रहा है। पन्नू को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें डोवाल साहब का नाम है, क्योंकि प्रधानमंत्री, अब पन्नू कोई नॉर्मल बात नहीं करता, पन्नू की एक आदत है, पन्नू ने आज तक एक सुई उठा के यहां से यहां नहीं रखी। पन्नू इज अ कंप्लीट फेलियर इन लाइफ, पन्नू हैज अचीव नथिंग, जीरो है। किसने पन्नू से करवाया है? पन्नू क्या कह रहा है कि 2023 में उसके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, यही बोल रहा है पन्नू कि 2023 में मुझे मारने की कोशिश करी लेकिन वो विफल हो गई, वो जो प्लानिंग थी वो विफल हो गई, फेल हो गई। फिर पन्नू कह रहा है कि यार निज्जर को 2023 में मारा था। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये 2023 के बाद पन्नू एक साल के बाद क्यों जागा है? अचानक पन्नू की नींद खुली और पन्नू बोला मैं डोवाल साहब के ऊपर केस करूंगा। अगर हम इसे देखें तो एक चीज हमें साफ तौर पर नजर आएगी कि असलियत में अमेरिका चाहता है कि खालिस्तान के मामले में इंडिया को, जिसे कहते हैं, उसकी गर्दन दबाए रखे। अब प्रॉब्लम यह है, मोदी सरकार किसी भी तरीके से ना तो सिर्फ खालिस्तान मामले में नहीं, चाहे यूक्रेन वाला मामला हो गया, चाहे इसराइल वाला मामला हो गया, इवन ईरान वाला मामला हो, पर भी देखेंगे इंडिया कहीं पर भी दबता हुआ नजर नहीं आया। चाइना अमेरिका बड़ी इच्छा रखता था कि चाइना से कैसे भी करके लड़ाई शुरू हो जाए, लेकिन वो लड़ाई शुरू नहीं हुई। उन्होंने 2024 के इलेक्शन में सेबोटाज करने की कोशिश करी, एक नैरेटिव चलाया, और वो नैरेटिव इस लेवल पर चलाया कि कुछ कहने की हद थी।
आप खुद सोचकर देखिए नैरेटिव क्या था कि भाई मोदी में डिक्टेटर है और ये वो सब चीजें, और जितने भी नेशनलिस्ट चैनल्स थे उन सबकी गर्दन दबा दी, उनकी रीच खत्म कर दी गई, उनके नोटिफिकेशन नहीं जा रहे सब चीजें, और हमारे इलेक्शंस को इस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था। मीडिया जो है अमेरिका का जो बिजनेस क्लास है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक ओल्ड बिजनेस क्लास है जो ऑयल गैस और इन सब चीजों के डिस्कशन करता है या मतलब डेवलपमेंट करता है, वेपन बनाता है, एक न्यू डीप स्टेट है या न्यू लॉबी है जो कि बहुत मजबूती के साथ ट्रंप के साथ खड़ी हुई है, और वो ट्रंप जो है वो अच्छे तरीके से कि ट्रंप को ट्रंप के साथ पूरी लॉबी खड़ी हुई है, और वो पूरी लॉबी जो है वो ट्रंप के साथ खड़ी होकर बाइडेन को चैलेंज कर रही है। अब ऐसे में इंडियंस जो है वो नॉर्मली बाइडेन की पार्टी जो डेमोक्रेट्स है उनके साथ खड़े रहते थे क्योंकि डेमोक्रेट्स लिबरल थे, और ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं इंडियंस को रोक देता था, ग्रीन वीजा नहीं देता था, ग्रीन कार्ड नहीं देता था, रिस्ट्रिक्शंस लगाता था। लेकिन पिछली बार भी अगर आप देखेंगे तो मोदी जी ने अमेरिका के अंदर जाकर ट्रंप के साथ जो मार्केटिंग करी है, यहां पर अब ट्रंप से मिलने जाना और ट्रंप के साथ इलेक्शन कैंपेन कर देना 3 दिन के लिए, और 2 महीने बाद नवंबर में इलेक्शंस हैं, ठीक है, और अमेरिका को अमेरिका की भाषा में जवाब देना। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा कंट्री होगा जो अमेरिका की जमीन पर अपोजिशन पार्टी का कैंपेन करने जा रहा है, उसका असर 1% वोट पर पड़ने वाला है, और वो 1% वोट इसलिए भी ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि वो पर्टिकुलरली ज्यादा वोट करता है। सब भी जाते हैं और यूएस का दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है डोवाल साहब भी होंगे ऐसा मेरा मानना है, तो आप पहले इनके ऊपर केस कर दो। इनको ऐसा लगता है कि इनके ऊपर केस करेंगे यूएस कोर्ट। अब पन्नू क्या बोल रहा है ये देखिए, पन्नू क्या बोल रहा है, पन्नू बोल रहा है कि टू होल्ड द मोदी गवर्नमेंट अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ अ यूएस कोर्ट, वर्डिंग्स देखिए, मोदी गवर्नमेंट को ये अकाउंटेबल करेंगे यूएस कोर्ट के सामने जैसे यूएस कोई खुदा है। ये खालिस्तानियों को तो लगता है ना कि गोरी चमड़ी वाला मिल गया भगवान है तो उसके पैर वैर पकड़ लेते हैं। अब आप बोलेंगे साहब वो तो दोस्त हैं, देखिए कोई दोस्त नहीं है कोई दुश्मन नहीं है, सब अपने फायदे का देखते हैं। भारत भी यही काम करता है, अमेरिका भी यही काम करता है, कोई इसमें दूध का धुला नहीं है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। दोस्तों ये जो पूरा केस हुआ है ना मोदी सरकार के ऊपर, अजीत डोवाल साहब के ऊपर, ये जो पूरा केस हुआ है इससे एक बात प्रूव हो गई है बियॉन्ड अ शैडो ऑफ डाउट कि जो मोदी जी की विजिट है 21, 22, 23 सितंबर को इस साल, अभी जा रहे हैं मोदी जी आने वाले कुछ दिनों में यूएस, उससे एक बात ये प्रूव हुई है कि दिस इज अ वेरी वेरी हाई स्टेक्स विजिट। नेगोशिएट करें तो आपको खुश करने के लिए, अच्छा ठीक है ये पन्नू वन्नू का ना ये रफा दफा करवाओ, निज्जर का रफा दफा, आप जो बोलो हां बोलो, ये चाह रहा है। आपको लगता है ऐसा होने वाला है? डोवाल साहब बैंड बजा देंगे वहां पर अमेरिकन्स का, और आप देख लेना ज्यादा दिन दूर नहीं है, 21st, 22nd, 23rd हाई स्टेक्स मीटिंग होने वाली है यूएस में, बड़ी बड़ी डील्स इसमें साइन होने वाली हैं, बड़े बड़े इसमें डिसीजंस लिए जाएंगे, और उन्हीं डिसीजंस को क्योंकि अमेरिका नेगोशिएट कर रहा है भारत से। ये जो पन्नू साहब एक साल बाद निकले हैं बिल से और मुकदमा दायर किया है जो है वो अजीत डोवाल जी के खिलाफ, जो है वो निखिल गुप्ता के खिलाफ, ऐसे ही अब देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले तो जांच होनी चाहिए प्रॉपर, अमेरिका को भी करनी चाहिए कि भाई ये जो पन्नू साहब है इनका बैकग्राउंड क्या है। आखिर अगर प्रूफ हो गया ये बात कि जो निखिल गुप्ता है वो रॉ एजेंट है, जो कि लगभग हो ही गई है प्रूफ, मगर रॉ किसी आम आदमी को तो ऐसा कुछ नहीं करती है, किसी भी देश की जो सीक्रेट खुफिया एजेंसी होती है वो किसी आम आदमी को तो टारगेट नहीं करती है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर अमेरिका क्यों पनाह दे रहा था भारत के दुश्मनों को, और ये जो बोलते हैं ना कि निज्जर को मार दिया और ये पन्नू को मारने जा रहे थे, तो इस देश में इतिहास में आप उठा करके देख लो 75 सालों का 76 सालों का कोई कमी नहीं है। इस देश में कितना ही बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो कि बाय रिलीजन हिंदू थे, उनको जेलों में डाला गया, उनको फांसियां दी गई, उनके इनकाउंटर किए गए सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो देश तोड़ने की बातें करते। बहुत लोग हैं, सैकड़ों हजारों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि फांसियों पर लटक चुके हैं, जो कि जेलों में जा चुके हैं, उम्र कैदे हो चुकी हैं, इनकाउंटर बहुत लंबी संख्या मिल जाएगी। तो रिलीजन का यहाँ पर इतना बड़ा मैटर नहीं है, और जो भी कोई समझदार व्यक्ति है वो यहाँ पर रिलीजन बीच में लाता भी नहीं है। मगर ये जो पूरा का पूरा डीप स्टेट का, अमेरिका का जो ओल्ड डीप स्टेट है, इसकी प्लानिंग चल रही है कि हमेशा जो है वो खालिस्तान का मुद्दा जो है वो जलते रहना चाहिए,
हमेशा आप देखो जब जब भारत में मजबूत सरकार आती है, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार आई हो चाहे अभी मोदी जी की सरकार आई हो, मजबूत सरकारें जब जब आई हैं तब तब खालिस्तान का मैटर जो है वो गर्म हुआ है। बीच में जब ये कमज़ोर होती हैं सरकारें तब नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। ये भारत मजबूत भारत के खिलाफ ही ये सब क्यों बढ़ जाता है? जब मजबूत भारत होता है तभी आप देखोगे कश्मीर का मुद्दा ज़्यादा गर्म होता है। जब आप देखोगे मजबूत सेंटर होता है, मजबूत केंद्र होता है, तभी नक्सलवाद का, नॉर्थ ईस्ट का, द्रविड़ नाडु का, अलग अलग मैटर है, छोटे छोटे दो दो जिलों के मैटर आ जाते हैं, चार चार जिलों के मैटर आ जाते हैं, कहीं कोई ट्राइब, कहीं गोरखा लैंड, कहीं कोई लैंड, कहीं कुछ अलग अलग तरह के हमको चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्यों? नेपाल इंडिया का झगड़ा हमें देखने को मिलता है, नेपाल इंडिया के बीच में क्लैश देखने को मिलता है, तभी जब इंडिया मजबूत होता है ऐसा क्यों? तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि दिक्कत उसको, किसी को भी इंटरेस्ट जो इसके पीछे आता है, किसी को इंटरेस्ट जो असलियत में सब मास्टर माइंड है उनको किसी को इंटरेस्ट नहीं खालिस्तान बन जाए कि फलानी जगह बन जाए कि ये कश्मीर का कुछ हो जाए, उनको सिर्फ इंडिया को वीक देखने में इंटरेस्ट है।